हमारे भगवान योगेश्वर की भूमि है। यहाँ आना, दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान योगेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना जो भारत के अंदर जागृत हुई है, वो पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रही है। भगवान सब पर कृपा करें और सभी का कल्याण करें। नए साल में हम पिछले सालों में जो हमने अपने को आगे बढ़ाया है, बहुत सारी कामों को शुरू किया है, बहुत सारे पूरे किए हैं, बहुत सारे नव कार्य शुरू होने हैं, उन सभी पर संकल्पबद्ध होकर हम आगे बढ़ेंगे और भगवान की कृपा से सब पर हमको सफलता मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और निर्देशन है लगातार। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो दशक बनाने के लिए हर एक उत्तराखंडवासी अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से उनका पालन करेगा, अपनी कर्मठता से, अपनी योग्यता से, और सभी लोग एक टीम भावना से काम करेंगे। हरिपुर में सर एक कृष्णा धाम बना रहे हैं। चूँकि हमारे पुराने समय में वहाँ पर कई वर्षों पूर्व वहाँ पर हरि नगर हुआ करता था, जो एक आपदा में और भयंकर बाढ़ में वो पूरी तरह से बह गया था। उसका हमने पुनर्निर्माण का और नवनिर्माण का और नया धाम बनाने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड के अंदर ऐसे जितने भी देव स्थान हमारे पौराणिक हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अवशेष मिलते हैं या कहीं ना कहीं उनकी पहचान है, उन सभी को स्थापित करने का हमने संकल्प लिया है। इसी कड़ी में हम हरिपुर धाम भी बना रहे हैं।